बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज क्या है, या क्वांटिटीज हम किस चीज़ को कहते हैं। जब हमें इल्म होगा कि क्वांटिटीज हम किस चीज़ को कहते हैं, तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वांटिटीज कहाँ से डिराइव हुई, या क्वांटिटीज हम किन चीज़ों को कहते हैं। चूँकि जब हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो डिफरेंट नेम्स हम देखते हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा, बट हमें फिजिकली इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि ये चीज़ें क्या हैं, या किस चीज़ के हम ये नेम ले रहे हैं। जिस तरह आप में से बहुत सारे बच्चों के नेम होंगे लाइक शहराज। अब अगर शहराज को जो ही घर वाले या फिर कॉलेज में शहराज का नाम लिया जाता है, तो वो जस्ट उसका नेम होता है, उसके पीछे करेक्टर एज ए होल शहराज होता है। ठीक है, नेम जस्ट उसकी पहचान के लिए होता है। इसी तरह जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, तो हर क्वांटिटीज का हमने नाम तो रखा हुआ है, उनके नेम तो हम जानते हैं, बट उनके पीछे करेक्टर क्या है, किस चीज़ के बारे में हम बात करें, मोस्टली हमें पता नहीं होता। इसलिए सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटीज हम किस टर्म को कहते हैं, या इसका क्या मतलब है। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, चूँकि फिजिक्स में हम मोस्टली जितनी भी नेचर के कंपोनेंट्स और नॉन ह्यूमन कंपोनेंट्स की स्टडी हम करते हैं, मोस्टली नेचर एनर्जी, इसके डेरिवेटिव्स, डिफरेंट फोर्सेस एंड डिफरेंट लॉज लाइक स्पेस टाइम रिलेटिव इफेक्ट्स वगैरह। अब जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जितनी भी क्वान्टिटीज हमें नज़र आती हैं, ये सारी क्वांटिटीज अब कहाँ से आई, या फिर जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें असल में नेचर के कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं के मिलने से नेचर बनती है। और हर कंपोनेंट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मीन हर कंपोनेंट पोजिस करता है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें डिफरेंट नेम देनी पड़ती ताकि हम उनके बारे में समझ सकें। सपोज आपके पास डिफरेंट चीज़ें आपके पास अपनी लाइफ, मेरे पास अपनी मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेचर, नेचर का एक कंपोनेंट है। लेकिन अगर इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे रखता हूँ, तो मैं एक ऐसा फैक्ट फील करता हूँ जो मार्कर मेरे हाथ पे एग्जर्ट कर रहा है, या फिर अगर मैं इस मार्कर को मूव करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ती है, या फिर अपनी एनर्जी सर्व करनी पड़ती है इस मार्कर को मूव करने के लिए। इसका मतलब यह है कि मार्कर के पास कोई ऐसी खासियत है जिसकी वजह से ये मेरे हाथ के ऊपर है, कुशिंग इफेक्ट डाल रहा है, या इसको मूव करने के लिए मुझे फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब सपोज ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसका नाम हम रख लेते हैं इनर्शिया, इसको समझ लेते हैं, या फिर इसका नाम हम रख लेते हैं मास। मार्कर की ऐसी करेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम इसका कुशिंग इफेक्ट फील कर रहे हैं, या फिर अगर हम इस पर फोर्स ना लगाएं तो ये यहाँ ही रेस्ट में रहेगा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा। इट मीन इसके पास ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक है जिसको और कम करने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये मूव करता है, और उस करेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमने इसका नेम रख लिया मास। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा और डीप स्टडी करें, हम कहते हैं कि ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, या फिर करती है, इस चीज़ को अगर हम समझें, हम कहते हैं कि सपोज मार्कर इतनी सी प्लेस में फिक्स हो सकता है, लाइक अगर हम इसको दो पॉइंट के दरमियान फिक्स करने की कोशिश करें, तो सपोज पॉइंट ये वन है थंब और पॉइंट बी ये है फिंगर, तो ये इन ए और बी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान इतनी प्लेस में ये फिट हो सकता है, या इतनी प्लेस ये को पाई करता है। और इस तरह में इससे कोई बड़ी चीज़ ले लेते, लाइक वाई, और वायर दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान फिक्स होती है जिनकी प्लेस इससे ज़्यादा होती है। सपोज के मार्कर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इतनी सी प्लेस पे फिक्स हो रहा है, लेकिन एक वायर देखो वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्स हो रही है ए और बी। अब जब मुझे ये पता चल गया कि मार्कर भी एक तरह से कुछ अफेक्ट मेरे हाथ पर डाल रहा है, और वायर अगर मैं अपने हाथ पर प्लेस करूँ तो वो भी कुछ ना कुछ अफेक्ट एग्जर्ट करेगी, लेकिन वायर का अफेक्ट इस मार्कर के अफेक्ट से कम है, जो मुझे ये बताते हैं कि अगर वायर ए और बी के दरमियान प्लेस को पाई करती है, बट इस प्लेस इज
मोर दिन प्लेस को पाई बाई की मार्केट, लेकिन अफेक्ट इसका कम है मार्केट से। जिससे ये छोड़ है कि जो अफेक्ट मेरे हाथ पे मार्केट एग्जर्ट कर रहे हैं या मार्केट को मूव करने के लिए जो मुझे फोर्स चाहिए वो ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट की ये करेक्टरिस्टिक जिसका नाम हमने मेज रखा या इनर्शिया रखा, ये इस करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करती कि चीज कितनी प्लेस है वो वाई है। अब ये एक अदर करेक्टरिस्टिक है जो हमें ये बताती है कौन सी चीज कितनी सी प्लेस एक्युपाई करेगी या कितनी सी कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्स हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हमने इसका अदर नेम रख दिया लाइव नेम। ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसका नाम हमने लेंथ रख दिया और जो हमें ये बताएगी कि कौन सी बॉडी कितनी प्लेस एक्युपाई करेगी। क्लियर? इसी तरह डिफरेंट बॉडीज हम देखते हैं, कुछ बॉडीज मतलब उनमें डिग्री ऑफ हार्डनेस ज़्यादा होती है, कुछ में डिग्री ऑफ हार्डनेस कम होती है। लाइक ये उन बॉडीज की करेक्टरिस्टिक। अब किस में डिग्री ऑफ हार्डनेस ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा है और किस में डिग्री ऑफ हार्डनेस कम है या कितनी कम है, इस करेक्टरिस्टिक को समझने के लिए हमने एनदर नाम रख दिया टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी भी हम क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, ये क्वांटिटीज जिनके नेम लाइक मास, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा डिफरेंट नेम्स हैं, ये सारे किसी नेचर के कंपोनेंट्स की करेक्टरिस्टिक को शो कर, इट मींस वो करेक्टरिस्टिक जिनके हमने ये नेम रखे हुए उन करेक्टरिस्टिक्स को हम क्वांटिटीज के। इज इट क्लियर? तो फिर हम क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्वांटिटीज क्या है? तो हम कहेंगे क्वांटिटीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स पोजेस बाय कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। तो हमारे पास क्वांटिटीज क्या आ गई? क्वांटिटीज ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो नेचर के कंपोनेंट पोजेस करते हैं। अब अगली बात यह आती है कि अगर क्वांटिटीज नेचर के कंपोनेंट पोजेस करती हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं नेचर के कंपोनेंट्स की, तो ये करेक्टरिस्टिक्स क्या मेजरेबल होंगी या मेजरेबल नहीं होंगी? तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो मेजरेबल और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो मेजरेबल नहीं है। लाइक जिनके मैंने नेम लिखे, ये मैंने तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं के नेम लिखे, लाइक मास, लेंथ एंड टेम्परेचर, और ये तीनों मेजरेबल। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप बाग में जाते हैं, वहाँ कोई आप रोज़ देखते हैं, तो आप कहते हैं कि वो रोज़ कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल है, बट उसकी ब्यूटीफुलनेस जो करेक्टरिस्टिक है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से समझ सकते हैं, बट लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और उनमें से जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम हैं। तो फिर जब हम इस बेस पर क्वांटिटीज को कैटेगराइज करते हैं, तो हमारे पास क्वांटिटीज को हम इस बेस पर कैटेगराइज करते हैं कि कुछ क्वांटिटीज हमारे पास वही रेवल होती हैं और कुछ क्वांटिटीज वही रेवल नहीं होती। लेकिन आज हम जिन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज मेजरेबल है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं या तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती हैं या हमें बेशक नजर ना आती हम उनके इफेक्ट को देख सकते हैं, बट ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो एग्जिस्ट ना कर रही हूँ उनको हम ना तो मेजर कर सकते हैं और ना ही हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब मेजरेबल जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका नाम हमने रख दिया फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी फिजिकली एग्जिस्ट करती है और इनको हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी कि ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी टर्म में हम तमाम फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वो क्वांटिटीज फिजिकल
पर्टिकुलर क्वांटिटीज क्या है, कि आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी आर दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ विच all physical laws are expressed. Mean कि ये at least ये ऐसी quantities हैं जो measurable भी हैं और जिनकी term में हम तमाम physics के laws express कर सकते हैं. Like Newton का second law, F is equal to ma. That is, F is equal to ma. फोर्स मैस और एक्सेलरेशन के थ्रू. अब मैस भी यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज है एंड एक्सेलरेशन भी यहाँ ऐसी फिजिकल ही क्वांटिटी है जिसकी टर्म में हमने ये लॉ बनाया कि फोर्स हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन के थ्रू. अब अगली बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे मेजर करेंगे या इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. अच्छा, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी, कैसी तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, आर मेजरेबल क्वांटिटीज एंड इन टर्म ऑफ विच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है अगर ये मेजरेबल हैं तो हम इनको कैसे मेजर करें, तो मेजर करने के लिए हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने उनको मेजर करना होता है और वो हम यूनिट्स इन क्वांटिटीज के बाद पढ़ेंगे. बट अभी मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम जब मेजरिंग करेंगे तो रिप्रेजेंट कैसे. सपोज करो कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है विच इज नाउन इज क्यू, हमारे पास क्यू क्वांटिटी है. अगर ये क्वांटिटी है इसको हम रिप्रेजेंट कर लें तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी और वो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए साथ कोई स्टैंडर्ड या सेट ऑफ रूल्स या डिफाइंड यूनिट लगा हुआ होगा. लाइक क्यू की मैग्नीट्यूड है एन एंड एन को हमने किस में मेजर किया है, यूनिट है म्यू का. अगर ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है क्यू तो ये किसके इक्वल होगी, इसकी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वो यूनिट जिसके थ्रू हमने इसको मेजर किया. अब यहाँ से बहुत मजे की बात आपको पता चलेगी कि अगर हमारे पास यूनिट लाइक म्यू रिप्रेजेंट यूनिट्स है या वो स्टैंडर्ड या सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू हम इसको मेजर करना है, अगर ये यूनिट हम ग्रेटर रखें लाइक जितना बड़ा यूनिट रखेंगे इतनी ही क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड छोटी आएगी, यूनिट जितना ग्रेटर होगा क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड छोटी आएगी और इसके वाइस वर्सा यूनिट जितना छोटा हम रखेंगे क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड इतनी ग्रेटर आएगी. बट एज ए होल प्रोडक्ट हमेशा इसका कांस्टेंट है जो उसी क्वांटिटी के इक्वल होगा जिस मामले में ये. कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं लेंथ क्यू की जगह एल और लेंथ हम ये करते हैं सपोज इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाती है 1000 और यूनिट हम स्मॉलर इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक मीटर. लेंथ इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब हम यूनिट को इंक्रीज कर देते हैं लाइक स्मॉलर से लार्जर पे चले जाते हैं, कोई बड़ा यूनिट यूज करते हैं. अब हम मीटर की जगह किलो अगर यूज करें, किलोमीटर इससे बड़ा यूनिट है तो किलो की वैल्यू क्या होती है, 10^3 मीटर. इट मीन्स 10^3 मीटर यहाँ तो 10^3 ही है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर. अब देखिए यहाँ से किलोमीटर यूनिट ग्रेटर यूज किया तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो और जब यूनिट स्मॉलर था तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा था. बट एज ए होल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट विल गिव यू लेंथ दैट विल रिमेन सेम और इसको आप यहाँ से एक्सप्रेस कर सकते हो. यहाँ से अगर आप यूनिट निकालो यूनिट विल बी इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एन एंड
unit is inversely proportional to 1 by n. क्योंकि quantity तो same है. It means unit जब हमारे पास quantity greater होगी तो unit smaller होगा और quantity अगर smaller है तो unit हमें बड़े वाले के लिए. अब ये इसकी general representation कि हम जब measure करेंगे quantities को तो quantity की magnitude और साथ unit देखेंगे. लेकिन unit क्या है या कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं ये हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे. अब जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तो फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास दो टाइप की मेन क्वांटिटीज आती हैं. तो ऐसी क्वांटिटीज कुछ आती हैं जिनकी बेसिस पे हम दूसरी तमाम क्वांटिटीज एक्सप्रेस करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोच समझिए कि आपने ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनाई है. अब जो उसकी ग्राउंड फ्लोर है वो उस बिल्डिंग की बेस. अगर उस बेस में को बीच में से निकाल दो तो आपकी जो ऊपर स्टोरीज हैं वो हवा में खड़ी नहीं रह सकेंगी. इट मीन ऊपर वाली तमाम स्टोरीज डिपेंड करती हैं आपकी ग्राउंड स्टोरी. और ग्राउंड स्टोरी ही फंडामेंटल या बेस है जिस पे वो तमाम स्टोरीज डिपेंड करती हैं. जैसे वो ऊपर वाली तमाम स्टोरी हमने डिराइव की तो ग्राउंड हमारे पास जो स्टोरी है वो एज ए बेस या फंडामेंटल यूज हो रही है. इसी तरह जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो एज अ बेसिक एग्जिस्ट करती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है या जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं. और बाकी तमाम क्वांटिटीज ऐसी हैं जो हम इन बेस क्वांटिटीज ही से डिराइव करते हैं. लाइक बेस क्वांटिटीज ही के मिलने से प्रोडक्ट आरडी से हम नई नई क्वांटिटीज बनाती जाती हैं और उन क्वांटिटीज को हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है तो इट मीन्स इस बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज नाउन एज बेस क्वांटिटीज एंड अदर वंस आर नाउन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब बेस क्वांटिटीज क्या होती है. बेस क्वांटिटीज जैसे मैंने भी आपको बताया ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव ना की गई या जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस ना कर सकते और दूसरी तमाम क्वांटिटीज उनकी टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती ऐसी क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटी मीन आर दोस क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर डिफाइंड बट these quantities cannot be derived or expressed in terms of other quantities are known as base quantities. और base quantities 7 होती है हमारे पास. there are 7 base quantities. अब 7 base quantities कौन कौन सी होती हैं ये हम वन बाय वन देख लेते हैं. पहली बात है कि base quantities हैं क्या कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से नहीं बना सकते और जिनसे हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं वो बेस क्वांटिटीज. और ये नंबर्स भी कितनी है 7. लाइक ये भी मैंने ऑलरेडी पहले लिखी थी लेंथ मैस इस तरह टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंटेंसिटी लेंथ मेस टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंटेंसिटी. इंटेंसिटी लाइट भी हो सकती है किसी लमीनी सब्जेक्ट भी हो सकती है. मीन ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट जिनसे किसी न किसी वजह से हमें लाइट मिलती है तो ये इंटेंसिटी उनको रिप्रेजेंट करती है. एनी लमीनी सब्जेक्ट कोई भी लमीनी सब्जेक्ट हो तो 6 क्वांटिटीज हमारे पास ये मौजूद है. और 7th क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट ये तमाम साथ के साथ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम दूसरी किसी भी क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और ना ही ये कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है. बट इनके अलावा जितनी भी तमाम क्वांटिटीज आती हैं प्योर ज्योमेट्रिकल दो क्वांटिटीज को छोड़ के जिनका नाम हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रखा होता है
बाकी तमाम क्वांटिटीज हम इन ही की तरह एक्सप्रेस करते हैं, या वो तमाम क्वांटिटीज इन सात क्वांटिटी से डिराइव की जाती हैं, जिसकी वजह से हम उन क्वांटिटीज को डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक हमारे पास नंबर वन फिजिकल क्वांटिटी की फर्स्ट आए बेस क्वांटिटीज, जो किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस ना की जा सके, बट इनकी टर्म में बाकी तमाम क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जा सके। और नंबर टू है डिराइव क्वांटिटीज, और ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से बनाते हैं। लाइक दूसरी क्वांटिटीज कौन सी, ये तमाम बेसिक क्वांटिटीज सेम। अब डिराइव क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज होती है जिनको हम बेस क्वांटिटी से डिराइव करते हैं। लाइक जो सारी बेस क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, इनको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। बट ये कोई फिक्स क्वांटिटीज नहीं है, जैसे कि हमारे पास बेस क्वांटिटी सात और दो ज्योमेट्रिकल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी एक तरह से बेस ही में आती है, क्योंकि हम किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते। बट इनके अलावा जो तमाम क्वांटिटीज आती हैं वो सब के साथ इन ही टर्म में एक्सप्रेस की जाती है, इसलिए हम उनको डिराइव क्वांटिटीज। मीन टू से दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। और ये क्वांटिटीज तादाद में कितनी है ये फिक्स नहीं है, इनके नंबर फिक्स नहीं, डिफरेंट बेस क्वांटिटीज मिलाते जाओ तो डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज बनती जाएंगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट या वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो हमारे पास दो बेस क्वांटिटीज के मिलने से बनती है, डिस्टेंस लाइक लेंथ और टाइम्स, इसी तरह एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी और टाइम के मिलने से बनता है, इसी तरह फोर्स जो मैस और एक्सेलरेशन के मिलने से बनती है, और इसी तरह वर्क जो फोर्स और लेंथ लाइक डिस्प्लेसमेंट के मिलने से बनता है, एंड ऑल अदर क्वांटिटीज। बाकी तमाम क्वांटिटीज को हम सिर्फ बेस क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि क्वांटिटीज क्या है। लाइक क्वांटिटीज हम किन को कहते हैं, किन चीज़ अमाउंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं किसी चीज़ के अमाउंट क्वांटिटी। लाइक आप बोले क्लियर हो गए, ये करेक्टरिस्टिक की डिफरेंट जो नेचर के डिफरेंट कंपोनेंट पोजिस करते हैं, और एक को मैयर कर सकते हैं, बहुत सारे को कुछ को मैयर नहीं कर सकते। तमाम जो मैयरेबल करेक्टरिस्टिक उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटीज बन जाती हैं। इस बेस पे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती और बाकी तमाम क्वांटिटीज उन पे डिपेंड करती हैं।